मैं मुकेश सर क्लास टेन के लिए आज टू टू स्टोरी फ्लाइट और टू स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ पहले भाग में सीगल है सिगल की स्टोरी और दूसरे भाग में द ब्लैक एरोप्लन स्टार्ट करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ हिस्स फर्स्ट फ्लाइट फ्रेडरिक फॉरेस्ट लेम ऑफ फेलेस्ट्री एनी फ्रैंक जेल फ्यूड्स एल एम ओ फर्स्ट फुलेस्ट्री द लेसन हिज फर्स्ट फ्राइड इज अबाउट ए पायलेट पैरोट सीगल या फिजन पहला पार्ट किसके बारे में सीगल के बारे में वाट वॉज इट द सीगल अ फ्राइड ऑफ रनिंग स्विमिंग फ्लाइंग ईटिंग सिगल क्या करने से डरता था फ्लाइंग हाउ सिगल ए पीस ऑफ फिश एक पीस का टुकड़ा उनको कौन सिगल को कौन देता था फादर फादर सीगल मदर सीगल ब्रदर सिगल नन ऑफ दे उनको कौन देता था मदर सिगल Mother seagull. The sight of magnet the seagull. Bread food see all of the above. Food. Why was the seagull excited? Due to crying. Due to running fast. Due to a strange exercise. Due to swimming. ड्यू टू एस्ट्रेंज एक्सरसाइज वाट फुट डिड द सिगल्स मदर गेट फोर इट अर्थवॉर्म इंसेक्ट रूडनेट्स फिश सीगल की माऊ से खाने के लिए क्या देते थे मछली वाट डि हिज पेरेंट थ्री देयर इटेन हीम विथ आई ई डी नॉट फ्लाई अवे टू नेवर टॉक टू हिम टू पनिश हिम टू स्ट्रैप हिम टू एवेंडन हिम टू अस्ट्रैप हिम द यंगल हैज ब्रदर्स वन टू थ्री फोर यंग सीगल के कितने भाई थे वेयर वॉज द यंग सीगल लेफ्ट अलाउन लेज केज ट्री फ्लोर लेज हाउ डिड द यंग सीगल्स पेरेंट्स टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग युवा सीगल के माता पिता ने उसे उड़ने की कला कैसे सिखाई द यंग सीगल पेरेंट्स टॉट हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग बाई इनकर इनक्रेजिंग युवा सिगल के माता पिता ने उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित करके उड़ने की कला सिखाई दे कैम अराउंड कॉलिंग हिम इन एफ वॉइस वे तेज आवाज में उसे बुलाते हुए आए द ऑल्सो फ्लू ओवर हीम साइड बाई साइड गिव हिम प्रोजेक्शन वे भी उसे प्रक्षेपण देने के लिए उसके ऊपर के साथ उड़े वाई डिड द सीगल गेट ओवर हिज फेयर ऑफ द वाटर सीगल ने पानी के प्रति उड़ने अपने अपने डर पर कब काबू पाया वेन ही सॉ हिज मदर विथ ए पीस ऑफ फिश इन हर बीक जब उसने अपनी मां को चोंच में मछली का टुकड़ा दिखा रीच टू हिम एट ए लिटिल डिस्टेंस दूर थोड़ी दूरी पर उसके पहुंच गया द साइट ऑफ द फिश मेड हिम सो ही डिवाइडेड द फिश विथाउट थिंकिंग अबाउट द मछली को देखकर वह पागल हो गया इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे मछली पर छलांग लगा दी अब हम लोग सेकेंड पार्ट द एरोप्लेन का एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर करेंगे Which plan the author was flying? All Descartes DS 088, all Descartes DS 042, all Descartes DS 066, all Descartes DS 077, all Descartes DS 080. Who is the author of the black aeroplane? Frederick Forest, Lame O. Fulestry, Annie Frank, J. Fohns, L. M. Fulestry. Which country did the pilot belong to? France, England, Paris, Italy. क्यों फैडरिक फोरेस्ट्री होगा विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग फ्रांस इंग्लैंड पेरिस इटली इंग्लैंड विच प्लेस वॉज द पायलट फ्लाइंग ओवर America England Paris Italy Paris What was the time in the watch when the pilot thought of calling the Paris control 130 am 130 pm 230 am 330 am 130 am The Paris control टोल्ड द पायलट टू टर्न सिक्सटी टिग्री टर्न टूल्व डिग्री वेस्ट टर्न टिग्री नॉर्थ टिग्री साउथ टर्न टिग्री वेस्ट पश्चिम की ओर मुड़ने के लिए बोला Which of the pilot's instruments stopped working first? Radio, compass, a speedometer, distance meter compass. How far was the narrator from Paris when he saw the dark clouds in the sky? 150 kilometer, 50 kilometer, 250 kilometer, 100 kilometer. 150 kilometer. When the pilot Pilot of the black aeroplane asked to follow him. In which direction did he turn the aeroplane? North, south, east, west. North. After how much time the pilot reached the runway? After two hours. After one hour. After one and half hour. After half an hour. आफ्टर हाफ एन आवर डू यू एग्री दैट द ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्ट्री जस्टिफाई क्या आप सहमत हैं कि ब्लैक एरोप्लेन में मिस्ट्री था यस द ब्लैक एरोप्ल इज डेफिनेटली ए मिस्टीरियस स्टोरी एज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेयर दिस ब्लैक एरोप्लन कैम एंड हाउ इट वॉज फ्लाइंग इन द स्ट्रॉन्ग विथआउट लाइट हाँ द ब्लैक एरोप्लन निश्चित रूप से एक रहस्यमय कहानी है क्योंकि यह समझना मुश्किल है कि यह काला हवाई जहाज़ कहाँ से आया और बिना रोशनी के तूफान में कैसे उड़ रहा था The pilot who was flying this aeroplane was also a mystery man. इस हवाई जहाज़ को उड़ाने वाला पायलट भी एक रहस्यमय व्यक्ति था द मीन्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वेयर फंक्शनिंग प्रॉपरली उन्होंने ओल्ड डकॉट के पायलट को हवाई जहाज़ अड्डे पर सुरक्षित पहुंचाया मदद की सीम्स इंप्रूव एज वी आर टोल्ड दैट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंट्रोल सेंट्रल शुड विथ डॉट विथ द पायलट ऑफ कॉट वी आर ऑल्सो लेफ्ट वॉन्ड्रिंग हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक और फ्लाइंग इन अ विथ हॉट लाइट्स। इसका मतलब है कि काले हवाई जहाज के उपकरण ठीक से काम कर रहे थे या असंभवता लगता है क्योंकि हमें बताया गया कि नियंत्रण केंद्र के उपकरण डकोट को देख सकते हैं डकोट के पायलट के साथ हम भी आश्चर्यचकित रह जाता है रह जाते हैं तूफान में बिना रोशनी के उड़ रहे अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था हाउ डिड ऑथर कम आउट सेफ्टी फ्रॉम द ब्लैक क्लाउड्स लेखक काले बादलों से सुरक्षित कैसे बाहर आ गया द ऑथर डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स लेखक ने काले बादलों के बीच से उड़ने का निर्णय लिया ही फाउंड दैट एवरीथिंग inside the द क्लाउड्स black. ब्लैक उसने पाया कि बादलों के अंदर सब कुछ काला था ही कुड नॉट सी anything outside आउटसाइड द एरोप्लेन उसे हवाई जहाज के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था हिज aeroplane jumped एंड ट्विस्ट इन द एयर उसका हवाई जहाज हवा में उछल मुड़ कर रहा था हिज कंपस एंड रेडियो हैड स्टॉप्ड वर्किंग उसके कंपस और रेडियो ने काम करना बंद कर दिया था देन ही द ब्लैक क्लाउड सी शो ऑथर एरोप्ल फ्लाइंग नियर हीम तभी काले बादलों के बीच उसने एक और हवाई जहाज को अपने पास उड़ते हुए देखा ही शो द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स हिम लेकिन हवाई जहाज ने पास देखा इस हवाई जहाज के पंखों की कोई रोशनी नहीं थी ही लिफ्टेड हिम हैंड इंडिकेट टू द ऑथर्स टू फॉलो ही लेकिन उसने अपने आगे उड़ते हुए इशारा किया पीछे से आने का द ऑथर फॉलो हिज डायरेक्शन लेखक ने उसके बताए हुए रास्ते को पालन किया आफ्टर सम टाइम ही कम आउट ऑफ द क्लाउड सेप्टी कुछ देर बाद वह सुरक्षित बादलों से बाहर निकला ही सो द रन अवे बट ही कुड नॉट सी दर प्लेन। व रन वे पर पहुंचा लेकिन उन्होंने दूसरे हवाई जहाज़ के पायलट के बारे में और फिर ब्लैक एरोप्ल को दोबारा नहीं देखा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू